ये जो अभी पैंडेमिक चल रहा है, इससे एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि इम्यूनिटी और फिटनेस कितनी ज़रूरी है जीने के लिए, और वर्कआउट से इम्यूनिटी बढ़ती है, फिटनेस बढ़ता है, बीमारियां कम होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? एनजे रिबॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके एनजे रिबॉर्न रख दिया है, एनजे ज्ञान से। तो मुझे उम्मीद है अभी फिटनेस चैनल है ये, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। वह फैट लॉस वर्कआउट्स, जिम वर्कआउट्स, क्रॉसफिट वर्कआउट्स, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से मिलने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। अब हम जिम वर्कआउट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट ट्रेनिंग्स और फैट लॉस ट्रेनिंग्स वगैरह डालने वाले हैं, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं, उनके व्यूज़, उनके ट्रेनिंग हम देखेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। और आपको तो पता ही होगा आज के डेट में फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक वगैरह चल रही है, इसमें भी इम्यूनिटी की बहुत सी ज़रूरत रहती है। और इम्यूनिटी हासिल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप फिट रहो, जिम जाओ, फिट रहो। मैं खुद ही अब खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता हूँ, और इन एक्सपर्ट्स से कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। आइए मिलते हैं अल्ताफ सर से, जो हमें वर्कआउट टिप्स देंगे। हेलो सर, कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनका चैनल का नाम है एनजे रिबॉर्न, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये ऐसा चैनल बना रहे हैं जहाँ पे लोगों को एजुकेट कर सके बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसके बाद डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। मैं खुद भी चाहता था कि हमेशा जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको मैं कुछ सिखा पाऊँ, उनसे बता पाऊँ, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली बहुत सालों से वर्कआउट किया है और मुझे एजुकेशन है इस चीज़ का, सारी चीज़ों का। तो मैं अभी आप लोग को आज ये बताऊँगा कि बाइसेप में कौन से मेन वेरिएशन है जो करना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट चलते हैं बाइसेप वर्कआउट स्टार्ट है। सो गाइस, सबसे पहला वर्कआउट जो है वो बाइसेप में होगा डंबल कर्ल। तो हमें 3 डंबल्स पहले से अपने वेट के हिसाब से चूज़ करना है, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अपने को वेट लेना है। तो मैं 7.5, 10 और 12.5 kg है, तीनों एक साथ में मारना है। 7.5 का आपसे कम से कम 12 जाना चाहिए, 10 का 12 जाना चाहिए और 12.5 का 12 जाना चाहिए। तो ये कंटिन्यूस वर्कआउट करना है, इसके 3 सेट। ये पहला सेट होगा, हाथ को बिल्कुल भी यहाँ पे चिपका के स्ट्रेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तुरंत रखना है। ये एंगल से निकालना है, ये एंगल से, क्योंकि इधर लाइट नहीं आ रहा है, इधर से लाइट आप उस तरह हो, इधर लाइट नहीं आ रही, ये साइड में लाइट आ रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका पहला सेट हुआ। ये पहला सेट था जिसमें 7.5, 10 और 12 kg का 12 रेपिटेशन कंटिन्यूस, ये एक हुआ सेट। उसके बाद में दूसरा सेट सेम, तीसरा सेट सेम, 4 कम से कम सेट लेंगे। ये हो गया डंबल्स का सेक्शन। उसके बाद रॉड, उसके बाद स्ट्रेचर कर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट, तो ये दूसरा सेट है। तो इसमें एग्जैक्ट जो रॉड है वो आपको लेना है, इतना क्लोज पकड़ना है, थोड़ा पीछे आप वेट डालना, आपको उसमें वेट डालना होगा अपने हिसाब से, 5, 7.5 और 10। ये पोजिशन, ये 2, 3, 4, 5, इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि मसल बिल्डिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस ऐसा तो ऐसा ही करना है। हर एक की बॉडी टाइप अलग अलग होती है और हर एक को अलग तरीके से प्रेशर आता है। आप लोग ये चेक करो कि आपको हाथ आगे लेने में प्रेशर ज़्यादा है, चिपका के प्रेशर है, या पीछे ऐसे प्रेशर है। जैसे इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर है आपको करना, मैं आपको सिर्फ सेट बता रहा हूँ कि ये करना ज़रूरी है। तीसरा सेट अपना आएगा प्रेशर कर, स्टार्ट कर। में ज़्यादातर हम
ये गलती करते हैं कि ये हाथ पूरा ऐसे चिपका कर उठाते हैं। मैं आपको एक साइड बताऊँगा जिसमें बहुत फाड़ू प्रेशर आने वाला है, ये लेना है आपको, और ये सिर्फ एल्बो टच करना है, सिर्फ एल्बो ये उठाना है। ये आपका सिर्फ एल्बो टच होना चाहिए, ये दिखा एल्बो दिखा बराबर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एल्बो और ये पूरा मसल फट के बाहर। इसके आपको कम से कम 4 वेरिएशन करने हैं, कम से कम 4, और वेट जितना आप 10 कम से कम मार पाओ उतना, उससे कम नहीं। चौथा जो सेट है वो है मशीन कर्ल। नॉर्मली आप लोग ये ऐसा मारते हो, मैं आपको अलग अलग वेरिएशन बताता हूँ। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, आप ये ऐसे भी ले सकते हो, और सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर आपको चाहिए तो आप दोनों पे इसका सपोर्ट ले लेना। ये हाथ पीछे टच होना चाहिए, ये देखो बताऊँ, ये हाथ पूरा पीछे टच होना चाहिए, और ये सिर्फ इतना उठना है। वेट लाइट लेना है और कम से कम 35-40-45 जितने मैक्स रेप आप डाल सकते हो। वेट 25 केजी बहुत हो गया, लेकिन रेप्स उसमें कम से कम 35-40-45-50 जितने मैक्स रेप। ये टच होना चाहिए हाथ, ये पूरा बाहर आ जाए। पांचवा सेट मैं आपको बता दूँ, पांचवा सेट ये आपको शोल्डर लॉक करना है, शोल्डर टाइट, बस ये सिर्फ आपको ये पोजीशन, ये हिलना नहीं चाहिए, बस ये पोजीशन करना है बस। उसके बाद सिंगल एंड दोनों साइड लगाना है। सो गाइस, ये हमारा बाइसेप का वर्कआउट आज कंप्लीट हुआ है, तो थैंक यू सो मच एनजे। थैंक यू सो मच सर। हमें उम्मीद है सर से मिलके आपको भी बहुत खुशी होगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा आपको, और मुझे भी इंस्पिरेशन मिला इनसे। आपको जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी चीज़ें पूछनी होंगी, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें इनके थ्रू बता दूंगा। अगर फिर से बताना है या कोई भी छोटी मोटी बड़ी चीज़ें कुछ भी होगी, डाइट रिलेटेड, वर्कआउट रिलेटेड, मसल रिलेटेड कुछ भी मुझे पूछ लेना, मैं इनके चैनल पर आके आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा। सर हमें रेगुलरली हमसे मिलते रहेंगे और ट्रेनिंग इस तरह देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।